स्टूडेंट, दिस इज अमाला। आप देख रहे हैं गौरव अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 9 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। सो एम्फीबियन आज हमारा टॉपिक है, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहते हैं और जमीन के भी ऊपर भी रहते हैं, तो इनको एम्फीबियन कहा जाता है। बेसिकली एम्फीबियन की मीनिंग है ड्वेल लाइफ। ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये हमारे पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो ज़मीन के ऊपर आए। इनके मेंबर जो हैं क्लास एम्फीबिया के, इनके पास जो लिम्स होती हैं वो शो करती है मुख्तलिफ डिग्री ऑफ एडाप्टेशन की, जो इनको हेल्प आउट करती है मूवमेंट करने में ज़मीन पे। ठीक है, इनकी जो है बेली जो इनको ड्रैगिंग क्रॉल करने में, जैसे कि सेलेमेंडर जो हैं, और एफिशेंट ड्राइव करने में गोता लगाने में भी इनको हेल्प आउट करती है, जैसे कि फ्रॉग्स हैं। लंग्स जो है इनके रिप्लेस होते हैं गिल से अडल्ट फॉर्म में। इनकी जो है थ्री चैम्बर्ड हार्ट होती है जो सर्कुलेट करती है ब्लड को मोर एफिशिएंटली। ठीक है, स्किन जो है इनकी जो मोस्ट एम्फीबियन की सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है। ये सर्व करती है एज अ एडिशनल ऑर्गेन फॉर द रेस्पिरेटरी, जो इनको सप्लीमेंट करती है लंग्स को। एम्फीबियन जो है ये एक्टोथर्म्स हैं, डिपेंड करते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर। इनके लिए एक्टोथर्म कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते, तो जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है तो ये कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। दो एडाप्टेशन इनके पास या दो टर्म्स हैं, हाइबरनेशन जब बहुत ही ज्यादा सर्दी हो जाती है तो ये अपने आप को जमीन के अंदर जो है बोरो कर देते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। इसको जो है हाइबरनेशन कहा जाता है, या इसको जो है विंटर स्लीप कहा जाता है। दूसरा होता है एस्टिवेशन, जिसमें ये जो है समर स्लीप करते हैं, जब गर्मियां बहुत ही ज्यादा होती है तो भी ये जो है अपने आप को हाइड कर देते हैं इसमें इन्वायरमेंट में, जमीन में।